नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। अभी मैं जानकी सेतु के पास खड़ा हूं और आज मैं आपको लेकर जाऊंगा ऋषिकेश के एक ऐसे फेमस प्लेसेस में से एक जो कि मधुबन आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण का एक एस्कॉन टेम्पल भी है। जानकी सेतु के पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो कि गिरी रेस्टोरेंट के नाम से यहाँ पर बना हुआ है, और रेस्टोरेंट के एकदम सामने पिलखन का एक बहुत बड़ा पेड़ है जिस पेड़ की छांव में लोग यहाँ पर चाय, बिस्किट और खाने का आनंद लेते हैं। दोस्तों चलते हैं मंदिर की तरफ। मैं जानकी सेतु से आश्रम की तरफ जा रहा हूँ। आपको यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पे आश्रम मिलेगा, और दोस्तों आश्रम नेशनल हाईवे पर ही बना हुआ है। अगर आप नेशनल हाईवे से जानकी सेतु की तरफ आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले मधुबन आश्रम ही दिखेगा। आप देख सकते हैं सामने राफ्टिंग के कई सारे ऑफिस है। यहाँ पर मार्केट काफ़ी अच्छा बन गया है। अगर यहाँ पर घूमने आते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी। तो चलिए दिखाते हैं आपको आश्रम का मेन गेट। हम लोग आश्रम के मेन गेट पर पहुंच चुके हैं और आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं गोविंद जी प्रसादम रेस्टोरेंट। ये इनका खुद का रेस्टोरेंट है और यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। इसकी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मधुबन आश्रम और गेस्ट हाउस का एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, और गेट के अंदर घुसते ही आपको एक बड़ा सा लॉन दिखाई देगा। आप देख सकते हैं ये गार्डन यहाँ पर मंदिर के सामने बना हुआ है। जो लोग यहाँ पर रुकने के लिए आते हैं वह सुबह व शाम को यहाँ पर घूमने का आनंद लेते हैं। और आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं एक बड़ा सा एस्कॉन टेम्पल। यहाँ पर आप जूते चप्पल उतार के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मंदिर की तरफ चलते हैं। मंदिर में एंटर करते हुए आपको एक छोटी सी गरुड़ देव की मूर्ति मिल जाएगी जो भगवान श्री कृष्ण को नतमस्तक करते हुए यहाँ पर बनाई गई है। मंदिर में एंटर करते ही आपको एस्कॉन का जो फेमस मंत्र है हरे कृष्णा हरे रामा का आपको यहाँ पे जाप करते हुए कुछ ना कुछ लोग मिल जाएंगे। तो आप सुनिए, दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर कितनी अच्छी वास्तुकला करी हुई है। मंदिर के चारों तरफ दीवारों में कई सारी कलाकृति, कई सारी मूर्तियां आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और सामने गर्भगृह जहां पर राधा कृष्ण और कई अन्य मूर्तियां लगी हुई हैं। यह आश्रम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। आप श्री कृष्ण जी की सुबह और शाम की आरती का आनंद ले सकते हैं। आश्रम आपको सिंगल रूम, डबल रूम, क्लब प्राइवेट स्वीट्स और प्रेजिडेंशियल स्वीट्स प्रोवाइड करवाता है। आप आश्रम में टैक्सी से, बस से या फिर अपने निजी वाहनों से यहाँ पर आ सकते हैं। आश्रम कैलाश गेट मुनि की रेती ऋषिकेश में स्थित है, जो कि ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर, हरिद्वार से लगभग 30 किलोमीटर और चौली ग्रांट एयरपोर्ट से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के अलावा यहाँ पर एक और मंदिर है जो कि भगवान श्री राम का मंदिर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ।
आप मेरे सामने देख सकते हैं कल्प वृक्ष। आश्रम में दैनिक संध्या और सुबह की आरती का आयोजन किया जाता है। भजन आश्रम में एक दैनिक गतिविधि है। जन्माष्टमी के दौरान विभिन्न आयु वर्ग के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करते रहते हैं और साथ ही साथ आश्रम द्वारा हर साल रथ यात्रा का आयोजन भी किया जाता है। आश्रम के आध्यात्मिक प्रमुख स्वामी भक्ति योग महाराज हैं, जो एस्कॉन एनुयायी हैं। आश्रम के मुखिया को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से डूबे हुए व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनका मिशन अपने अनुयायियों के बीच कृष्ण चेतना को सिखाना और प्रदान करना है। दोस्तों, आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माँ जानकी और बजरंग बली जी की प्यारी सी प्रतिमा इस मंदिर के अंदर विराजमान है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।